अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज आपके साथ रिव्यू करूंगी बायोकोस के अर्जेंट फेशियल का, कि इनका ये फेशियल जो है वो किस टाइप का है और इसके रिज़ल्ट कैसे हैं, इसका टेक्सचर कैसा है, तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अच्छा, ये मैं बायोकोस का जो रिव्यू कर रही हूँ, ये मैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कर रही हूँ। ये आप इसकी जो है वो पैकिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी, इसके ऊपर क्लेम किया गया है कि ये अर्जेंट फेशियल जो है विद एलमंड हनी एंड कोकोनट ऑयल के साथ मैन्युफैक्चर किया गया है। यानी कि एलमंड हनी और कोकोनट ऑयल, ये तीनों चीज़ें ही आपके फेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपकी स्किन को नीट करने के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए और आपकी स्किन को टाइट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्लेम क्या किया गया है वो ये है कि ब्लेंड ऑफ नेचुरल हर्ब्स, यानी कि नेचुरल हर्ब्स के साथ जो है वो इसको बनाया गया है और इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 मिनट्स में आपको मिलेगा और गारंटीड रिज़ल्ट है, इसके ऊपर मैंशन भी किया गया है। रिज़ल्ट में क्या होगा, आपकी स्किन को वाइट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और नरिश करेगा। तो क्या ये तीनों क्लेम ठीक हैं या नहीं, तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ करने के दो मेथड हैं। एक मेथड जो है वो इसके पीछे ही बताया गया है, जो नॉर्मल है कि आप अपनी स्किन को वेट करेंगे, उसके बाद आप अपनी इसकी रबिंग करेंगे और रब करने के बाद आप इसको जो है वो वॉश कर लेंगे। और जो दूसरा मेथड है वो मैंने खुद से जो है वो इस पर टेस्ट किया था, वो ये था कि मैंने पहले अपनी जो गीले हाथ के साथ अपने इसको हैंड पे इसकी क्वांटिटी ली, उसको रब किया और फिर उसको जो है वो स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद मैंने उसको वॉश नहीं किया, बल्कि मैंने उसको रब करने के साथ ही, रब करते हुए अपनी स्किन से रिमूव किया। रब करते हुए जब मैं अपनी स्किन से यानी अपने हैंड्स के साथ जब उसको रिमूव कर रही थी, तो इसने मेरे हैंड्स की जितनी भी डेड स्किन थी सारी रिमूव कर दी थी। मेरे हैंड इतने सॉफ्ट, इतने नीट और इतने क्लीन हो गए थे कि मुझे उस टाइम पर अपने हाथ इतने खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे। तो ये दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया वो अपने फेस पे आप हरगिज़ अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम अगर जो है वो हार्ड वाले हैंड्स अपने फेस पे लगाएंगे तो हमारी स्किन जो है उसको स्ट्रेस होगा और जिसकी वजह से हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए हम सॉफ्ट हैंड के साथ जो है वो अपने फेस पे यूज़ करेंगे। ये जो मैंने दूसरा मेथड बताया है, ये आप सिर्फ हैंड्स के लिए या अपने फुट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे मेथड का जो नुकसान हुआ वो ये था कि एक्चुअली स्किन को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा कर रब किया था, रब करने की वजह से स्किन में जो है वो इचिंग होने लग गई थी और स्किन जो है वो उसमें पेन भी हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे इस पे मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करना पड़ा था। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये मैं आपके साथ रिव्यू इसको यूज़ करने के बाद कर रही हूँ। एक्चुअली स्मॉल पैकिंग इसलिए बाई की जाती है कि प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया जाए कि वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे ये इसके रिज़ल्ट ने जो है वो सेटिस्फाई कर दिया और ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ के लायक भी है और हलाल भी है। ये मैंने जो पैकिंग थी कि मैंने 70 या 80 रुपीज़ की बाई की थी। आप इसकी बड़ी ट्यूब जो है वो भी बाय कर सकते हैं। तो बायोकोस के अर्जेंट फेशियल का रिज़ल्ट जो है वो 100% है और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि बहुत से फेशियल जो हैं वो अर्जेंट फेशियल मार्केट में ऐसे हैं जिनकी हम थोड़ी सी क्वांटिटी लें तो वो अच्छे से हमारे फेस पर अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इसकी मुझे ना बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी यूज़ करना पड़ी क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर का बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नेचुरल था। इसके जो बीड्स हैं वो बहुत ही मीडियम साइज़ के हैं और अच्छे से आपके फेस को क्लीन भी कर देते हैं। तो इसका जो टेक्सचर था, बस उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिज़ल्ट जो है वो 100% है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ हैं। मेरी स्किन का जो टेक्स्चर है वो ड्राई है, तो मेरी ड्राई स्किन पर इसने जो है वो बहुत अच्छे से काम किया। तो ऑयली स्किन वाली गर्ल्स को भी ये सूट कर सकता है। तो ये था बायोकोस के साथ एक छोटा सा रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत से अर्जेंट फेशियल हैं जो बहुत काम के हैं और बहुत ही ब्रांडेड हैं, बट उनके रिज़ल्ट जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका भी रिव्यू आपके साथ करूं तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत से फेशियल यूज़ किए हैं बट इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे सबसे मुनासिब और अच्छा लगा है। तो ये प्रोडक्ट जो है बायोकोस के अर्जेंट फेशियल की रिकमेंडेड है और आप इसको बाई कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ एक नए रिव्यू और एक नई प्रोडक्ट के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।